हे गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। इट्स अंकिता चौबे और यह है हमारे स्टील बंकर इंट्रोडक्शन का पार्ट वन। तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और मैं स्टील बंकर जो इसके साथ साइलो भी करवा दूँगी, दोनों का डिफरेंस देख लेंगे और क्या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो भी देख लेंगे। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस, एज ऑलवेज लेट्स बिगिन। तो बंकर और साइलो होते क्या हैं? बंकर और साइलो दोनों यूज़ होते हैं किसी भी मटेरियल को स्टोर करने के लिए। अगर वो शैलो बिन है ना, अगर वो बिन कैसा है, शैलो है, कम डेप्थ का है, तो उसको हम क्या कहेंगे? बंकर कहेंगे। और अगर उसका जो डेप्थ है वो उसके टॉयज ऑफ द ब्रेथ के बराबर या उससे ज़्यादा हो तो उसे हम साइलो कहेंगे, है ना। तो कम डेप्थ वाले को बंकर और ज़्यादा डेप्थ वाले को साइलो। इतना हमने समझ लिया। ये स्टील का है, कहाँ पे यूज़ होता है वो और देख लेते हैं, है ना। तो ये होता है बैचिंग प्लांट में यूज़, स्टोरेज ऑफ सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का। तो यहाँ पे क्या है, ये जो आपका बैचिंग प्लांट है, ये आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो क्या करेंगे, बैचिंग प्लांट बना लेंगे। अब ये सीमेंट के बैग्स को क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है। कहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहा है, जो भी उसका छोटा सा एक ये ट्रांसफ़र करेगा, पैकेट्स को खोल देगा। कहाँ पे खोल देगा, ये छोटा स्मॉल बिन में। और यहाँ से पंप के थ्रू पंपिंग एक्शन होगा, पंपिंग एक्शन के थ्रू ये कहाँ जाएंगे, साइलो में जाएंगे, है ना। तो ये पंप्स लगे हुए हैं यहाँ पे, ये बंकर समझ लो इसको और ये है साइलो बड़ा वाला। ये जो बड़ा स्ट्रक्चर है ना, जिसका डेप्थ देखिए कितना ज़्यादा है, और ये हमेशा सिलेंड्रिकली यूज़ होता है जिसमें इसकी आर्चिंग एक्शन को कम करा जा सके। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, एग्रीगेट ले रहे हैं, हमारे कोर्स एग्रीगेट, और इसको कहाँ पे ले जा कर के प्लेस कर रहे हैं, ये है हमारा बंकर। ये स्मॉल बिन जो आपको दिख रहा है ये क्या है, बंकर है। और वो जो लार्ज बिन था वो क्या था, साइलो था। तो बंकर में हमने क्या क्या रख दिया, एग्रीगेट रख देंगे, सैंड रख देंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं काय में, स्मॉल बिन में, छोटा बिन है, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, बंकर कह रहे हैं। तो ये बैचिंग प्लांट का वीडियो है, इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आपको अगर देखना है तो आप देख सकते हैं पूरा कैसे प्रोसेस होता है ना। तो यहाँ पे वाटर वगैरह ये जो यहाँ से ट्रांसफ़र होगा, है ना, वाटर वगैरह भी रहता है आगे, उसमें पूरा डिटेलिंग दिया है। तो यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि आपने सीमेंट सैंड डाला, उसके बाद वाटर डाला, वाटर रेडी मिक्स जो आपका डिज़ाइन है उसके हिसाब से वाटर भी जाएगा। वाटर कहाँ प्लेस हो जाएगा, ऊपर एक और छोटा बंकर टाइप स्ट्रक्चर, वाटर टैंक कह लो उसको, वो बना है, वहाँ पे वाटर स्टोर हो रहा है ना। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है मैंने बताया आपको। अब इसके बाद इसकी टेक्निकल टर्म्स पर चलते हैं कि टेक्निकली क्या है, कैसा है। देखिए, अगर प्लेन ऑफ रप्चर, प्लेन ऑफ रप्चर मतलब अगर आप इसके जो बॉटम बिन के, इसके बॉटम हॉपर बॉटम के ऊपर, ये जो बॉटम बिन से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें, ये लाइन कौन सी वाली लाइन है, ये वही मटेरियल की लाइन है जहाँ से क्या आ रहा है, हमारा मटेरियल आ करके इस बिन में स्टोर हो रहा है ना। अभी के लिए यही मान लो, ये प्लेन ऑफ रप्चर वही प्लेन ऑफ रप्चर है, कौन सा वाला, जो मटेरियल यहाँ पर जो हमारा स्टोर हो रहा है वही मटेरियल वाला जो प्लेन है उस। तो ये प्लेन ऑफ रप्चर को समझने के लिए हम ब्लैंक शीट लेते हैं, उसमें और अच्छे से समझ आएगा। देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा बंकर है, ये हमारा बंकर है। और हमने क्या करा, हमने हमारे मटेरियल को फिल करा। तो फिलिंग के टाइम पे जब आपने देखा, फिलिंग के टाइम पे जब आपने देखा तो आपको क्या दिखा, प्लेन ऑफ रप्चर मटेरियल को, जो मटेरियल का सरफेस है उसको कट कर रहा है ना। जो प्लेन ऑफ रप्चर है ये क्या कर रहा है, मटेरियल के सरफेस को कट कर रहा है, ठीक है। तो जब आपने देखा तो आपको दिखा कि भाई प्लेन ऑफ रप्चर मटेरियल के सरफेस को कट कर रहा है। अब इसी को हम कन्वर्ट करते हैं, ये तो बंकर हो गया हमारा, इसी बंकर को मैं कन्वर्ट करके आपको ले चलती हूँ साइलो पे। तो साइलो क्या होता है, साइलो कहते हैं कि साइलो की डेप्थ इसके ब्रेथ के टॉयज होनी चाहिए, मतलब इसकी जो डेप्थ है ये क्या होनी चाहिए, इसके ब्रेथ के डबल। तो ये मैंने क्या कर दी, इसकी टॉयज कर दी, इसकी ब्रेथ, है ना, इसकी डेप्थ को क्या कर दिया, टॉयज कर दिया, टॉयज ऑफ ब्रेथ, टू बी कर दिया इसकी डेप्थ को,
अब प्लेन ऑफ रप्चर क्या होगा, यही प्लेन ऑफ रप्चर को मैं एक्सटेंड कर देती हूँ, तो यही प्लेन ऑफ रप्चर को मैंने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। अब क्या दिख रहा है मुझे कि भाई अब ये प्लेन ऑफ रप्चर कट करने लगा है, किसको कट करने लगा है, अपोजिट वॉल ऑफ द बिन, जो बिन का अपोजिट वॉल है उसको ये कट करने लगा है, तो इसको हम क्या कहने लगे, साइलो कहने लगे। तो साइलो में क्या हो रहा है, साइलो में जो प्लेन ऑफ रप्चर है ये किसको कट करता है, अपोजिट साइड ऑफ वॉल को। और बंकर की बात करेंगे तो बंकर में क्या होगा, जो भी आपका मटेरियल है उस मटेरियल सरफेस को कट करेगा प्लेन ऑफ रप्चर। ठीक है, प्लेन ऑफ एंगल क्या होगा, जिस एंगल से आपका रप्चर प्लेन बन रहा है, भाई कुछ ना कुछ एंगल होगा, यहाँ कुछ ना कुछ एंगल होगा जिससे आप देखोगे। जब हम देखते हैं किसी भी चीज़ को देखते हैं तो प्लेन ऑफ रप्चर कहीं और होगा और एंगल कहीं और होगा। कैसे, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में पढ़ा था हमने कि अगर कोई ज़्यादा डीप बिन है तो हमें क्या होगा, इल्यूजन होता है, इल्यूजन। तो इल्यूजन में क्या होता है, प्लेन ऑफ रप्चर यहाँ है मगर आप जब देखोगे तो वो आपको कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा। यही जो एंगल बना रहा है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रप्चर, और ये एंगल ऑफ रप्चर रहता है 5/2 + 45। जो भी थीटा आपका होगा, θ/2 + 45, थीटा कौन सा, ये वाला थीटा, ये थीटा, तो थीटा प्लस 45 डिग्री का क्या होगा आपका, जो भी ये एंगल होगा। अच्छा, इसमें साइड वॉल है, ये जो हमारी ये साइड वॉल है इसको हम हॉपर बॉटम कहते हैं, ये नीचे वाला जो पोर्शन है, यहाँ से आपकी ओपनिंग दी रहती है, यहाँ पे ओपनिंग रहेगी आपकी, है ना। इसके बाद एक चीज़ और बताना है आपको, कुछ चीज़ें जल्दी से हम क्लियर कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होगा, आपकी टेंशन कौन सा, प्रेशर कहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है उसको देख लेते हैं। जब भी हम साइलो या बंकर दोनों में से कुछ की भी बात करें, प्रेशर एक ही जैसा होगा, तो यहाँ फोकस करो फिलिंग की कंडीशन और एम्प्टी की कंडीशन को, उसको और अच्छे से मैं आगे बताऊँगी। तो जब भी मटेरियल फिल हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मटेरियल फिल हो रहा है, फिल हो रहा है तो क्या कर रहा है, क्या करेगा, फिल होएगा, जब फिलिंग होएगी तो क्या करेगा, ये अपने वॉल्स, जो इसकी वॉल साइड वॉल्स हैं, ये इस पर क्या इंड्यूस करेगा, कुछ वर्टिकल प्रेशर इंड्यूस करेगा, है ना। फिलिंग की कंडीशन में क्या इंड्यूस कर रहा है, ये वर्टिकल प्रेशर को, फिलिंग की कंडीशन में क्या हो रहा है, वर्टिकल प्रेशर लग रहा है ना, बहुत फोर्स से कोई चीज़ आ करके हमारे बिन में गिर रही है, इसलिए यहाँ पे फिलिंग की कंडीशन में आपका जो प्रेशर लग रहा है ये वर्टिकल प्रेशर लग रहा है। और क्या लग रहा होगा, क्या खाली वर्टिकल प्रेशर अकेला लग रहा होगा यहाँ पे मटेरियल का, क्या ये मटेरियल कुछ वॉल पे प्रेशर नहीं दे रहा होगा, तो फिलिंग की कंडीशन में वॉल प्रेशर लगेगा और वर्टिकल प्रेशर लगेगा, फिलिंग की कंडीशन में वॉल प्रेशर लगेगा और वर्टिकल प्रेशर लगेगा। तो जब भी हम फिलिंग का, अभी हम आगे इसमें फाई वगैरह देखेंगे, प्रेशर रेशियो देखेंगे, तो वहाँ पे याद रखना है कि फिलिंग की कंडीशन में क्या लेना है। अभी तो इतना याद रखो कि फिलिंग की कंडीशन में जब भी आप फिल करोगे तो एक तो वर्टिकल प्रेशर आएगा, ऊपर से ये क्या करेगा, इसकी साइड वॉल्स पे भी कुछ प्रेशर इंड्यूस करेगा, तो वॉल प्रेशर भी आएगा फिलिंग की कंडीशन में। अब एम्प्टी की कंडीशन में देखते हैं कि जब इसको हम मटेरियल, जो हमारा बिन है, इस बिन में से जब आप इस मटेरियल को खाली करोगे तब क्या होगा, आप क्या करना चाह रहे हो, इस मटेरियल को खाली करना चाह रहे हो। मटेरियल बहुत सारा है, मटेरियल बहुत सारा है, जिस तरीके से आप एक कमरे में सारे स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं कॉलेज में, तो कॉलेज में क्या होता है कि आपको मन होता है, जब बहुत सारे बच्चे हैं एक जगह बैठे रहते हैं तो उन सबका क्या मन होता है कि यार मुझे बाहर जाना है, सबको बाहर जाना है। और जब आप बाहर जाओगे तो क्या करोगे, आप बाहर जाओगे तो आप कुछ हॉरिजॉन्टल फोर्स को क्या करोगे, इंड्यूस करोगे। कैसे इंड्यूस करोगे, पैसेज छोटा सा है और निकलना सबको है, पैसेज कैसा है, छोटा सा है और जाना है सबको, ये सब जाना चाहते हैं मगर पैसेज क्या है, छोटा सा है। तो ये क्या करेंगे, ये अपने आसपास की दीवारों पे, अपने आसपास की वॉल्स पे एक प्रेशर इंड्यूस करेंगे, और ये प्रेशर कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल प्रेशर, ये प्रेशर कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल प्रेशर। और ये जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर है ये इतना ज़्यादा है, नीचे बिन में आते आते, जब हॉपर बॉटम में आते आते ये प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि यहाँ पे बस्टिंग एक्शन भी होने लगता है।
क्या होने लगता है? बस्टिंग एक्शन. बस्टिंग एक्शन दैट मीन्स वो क्या करने लगेगा, फटने लगेगा. एक्चुअली में नॉट, इट्स नॉट, बट द प्रेशर वॉज सो हाई. जब आप उसको खाली करोगे, एम्प्टी करोगे, तो प्रेशर यहाँ पे इतना ज़्यादा होगा कि यहाँ पे एक तो हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रहा है, और दूसरा कौन सा फोर्स आने लगेगा, कौन सा प्रेशर आने लगेगा, बस्टिंग प्रेशर. तो एम्प्टीइंग कंडीशन में दो प्रेशर आ रहे हैं, एक आ रहा है हॉरिजॉन्टल प्रेशर और एक आ रहा है बस्टिंग फोर्स या बस्टिंग प्रेशर. तो ये एम्प्टीइंग कंडीशन में, जब खाली करोगे उस समय आएगा. ठीक है, इतना दोनों चीज़ें याद रख लो. तो ये हमने देख लिया. अब इसके बाद कुछ इसमें इफ़ेक्ट्स आते हैं. अगर आप मटेरियल यहाँ पे देखिए, ये आप मटेरियल को क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं. ये मटेरियल को क्या कर रहे हैं, अभी तो आपने फिलिंग करा, फिलिंग करा तो ये वॉल्स पे प्रेशर लगा और एक वर्टिकल प्रेशर लगा, वॉल्स पे प्रेशर लगा और एक वर्टिकल प्रेशर कर लगा. अब हम इसको एम्प्टी करते हैं. एम्प्टी करते हैं तो देखिए, पैसेज छोटा सा है, जाना सबको है, तो क्या कर रहे हैं, ये फोर्स लगा रहे हैं कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं इसकी वॉल्स पे. ठीक है, अब इसकी वॉल्स पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाने से एक पैसेज जैसा बन गया. ये क्या बन गया, एक पैसेज जैसा बन गया, और इसी को हम कहते हैं ब्रिजिंग. इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रिजिंग, है ना. अब रेट होलिंग क्या होता है, रेट होलिंग में भी देखिए, जब ये आप जब खाली करोगे तो इस पैसेज से खाली हो रहा है, मगर ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के कारण आपका क्या हो रहा है, इफेक्ट आ रहा है. तो इसको कैसे आप रिड्यूस कर सकते हो, यहाँ पे एयर वॉल्व से देकर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एयर वॉल्व दे देंगे, जिससे हमारा मूवमेंट क्या हो जाए, ईजी हो जाए. ईजी मूवमेंट के लिए हमने क्या कर दिया, एयर वॉल्व दे दिया. अब जब आप इसको खाली करना स्टार्ट करोगे, है ना, जब आप इसको खाली करना स्टार्ट करोगे, तो यहाँ से एयर्स क्या होगी, यहाँ से एयर्स क्या हो रही है, इंड्यूस्ड हो रही है. मतलब ये क्या कर रही है, हॉरिजॉन्टल फोर्स को रिड्यूस कर रही है. ये क्या करने की कोशिश कर रही है, देखो ध्यान से, हॉरिजॉन्टल फोर्स को रिड्यूस करने की कोशिश कर रही है, जिससे हमारा क्या हो रहा है, बंकर खाली हो रहा है. तो क्या लग रहा है, हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लग रहा है. और ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस किस हिसाब से लग रहा है, ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा. अब इसको भी समझते हैं कि डाउन में कैसे बढ़ रहा है हॉरिजॉन्टल फोर्स, नीचे बिन में कैसे बढ़ रहा है. अगर हम ये, हमने क्या करा, हमारे बंकर को जोड़ लिया, अब हम मार्बल्स को फिल कर रहे हैं. तो देखिए यहाँ पे जो नीचे, देखिए आप नीचे क्या हो रहा है, प्रेशर ज़्यादा लग रहा है और ऊपर के कंपैरिजन में. हमने यहाँ पे रबर बैंड्स दे दिया. अब रबर बैंड्स देने के बाद फिर से हमने क्या करना शुरू करा, फिलिंग करना शुरू करा, फिलिंग करना शुरू करा. अभी भी क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण ये क्या, बस्टिंग एक्शन. इसी को बस्टिंग एक्शन कह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण यही कहलाता है बस्टिंग एक्शन. सिमिलर कंडीशन वाटर टैंक में भी ऐसे ही कंडीशन होता है. तो क्या करें, नीचे ज़्यादा फोर्स आ रहा है, मतलब नीचे रबर बैंड को क्या कर दो, ज़्यादा प्लेस कर दो, है ना, ऊपर उतना ज़रूरत नहीं है, नीचे ज़्यादा ज़रूरत है. तो नीचे हमने क्या कर दिया, ज़्यादा रबर बैंड्स या ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग दे दिया है. अब इससे देखिए, अब मार्बल्स अभी भी भर रहे हैं मगर बस्टिंग एक्शन नहीं हो रहा है. तो यही स्टील रेनफोर्समेंट बार्स हम कहाँ देते हैं, नीचे ज़्यादा देते हैं और ऊपर जैसे जैसे जाते रहते हैं वैसे वैसे कम कर देते हैं. तो ये तो स्टील रेनफोर्समेंट RCC की बात हो गया. सिमिलर कंडीशन स्टील में भी होता है. स्टील में जो आप रिंग्स दोगे, यहाँ पे रिंग बीम दोगे, तो नीचे क्या करना है हमको, पास पास रिंग बीम देना है, और ऊपर जो आपका ऊपर है प्लेट, जो ऊपर है, ऊपर जो कनेक्शन आप दोगे उधर पे सपोर्ट्स दोगे, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दूर दूर भी दे सकते हैं. इतना आ गया आपको समझ. अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी स्टेप इसमें इंड्यूस्ड होती है बंकर की डिजाइनिंग में. तो पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले तो आप फोर्स निकालोगे. कौन कौन से फोर्स निकालोगे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और बस्टिंग फोर्स, है ना, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और बस्टिंग फोर्स. इसके बाद आप प्रेशर निकाल लोगे, है ना. प्रेशर के बाद क्या निकालोगे, नॉर्मल टेंजेंशियल प्रेशर. ये नॉर्मल टेंजेंशियल प्रेशर कहाँ पर आएगा डियर, ये जो आपका बंकर होता है ना, बंकर में जो नीचे हॉपर बॉटम होता है, ये जो आपका हॉपर बॉटम होता है, इस हॉपर बॉटम में क्या, ये जो आपका स्लाइडिंग वाला क्यों दिया है पार्ट, स्लाइडिंग वाला पार्ट इसलिए दिया है कि आप आराम से मटेरियल हमारा क्या हो सके, खिसल करके, जैसे फिसल पट्टे पे नहीं आप फिसलते थे, तो फिसल पट्टे पे फिसल करके ये हमारा कहाँ चला जाए, नीचे चला जाए. इसमें आर्चिंग एक्शन जो अभी हमने देखा, दो फोर्सेस देखे,
एक तो ब्रिजिंग एक्शन, उसी को आर्चिंग एक्शन भी कहते हैं। ब्रिजिंग एक्शन और आर्चिंग एक्शन को कम करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको कुछ एंगल अबाउट 45 डिग्री से इसको टिल्ट कर देंगे। अब 45 डिग्री से टिल्ट कर दिया मतलब कि अब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ये कैसा लगेगा, टेंजेंशियल फोर्स लगेगा। कैसे, क्योंकि इसका बिन कैसा है, इसका बिन है यहाँ से कैसा दिख रहा है आपको, इसका बिन आपको कुछ टिल्टेड दिख रहा है। और हमेशा टिल्टेड पार्ट में कौन सा वाला प्रेशर लगता है, टेंजेंशियल प्रेशर लगता है। तो यहाँ पे हमें टेंजेंशियल प्रेशर निकालना होगा हॉपर बॉटम पे, तो हॉपर बॉटम पे हम टेंजेंशियल प्रेशर निकालेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद क्या करोगे, डिज़ाइन करोगे। क्या डिज़ाइन करोगे, प्लेट का डिज़ाइन करोगे। प्लेट का डिज़ाइन कैसे करोगे, वही मोमेंट निकाल लोगे। मोमेंट कौन सा वाला निकालना है, यहाँ पे डब्ल्यू एल स्क्वायर, ये डब्ल्यू, इसको आप डब्ल्यू एल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2 × 12। देखिए प्लेट का डिज़ाइनिंग हो रहा है, कौन सा वाला, ट्रफ प्लेट। अब ये ट्रफ प्लेट कौन सा होता है, ये वाला जो प्लेट होता है ना साइड में, ये वाला जो वॉल पे देते हैं आप, इसी को हम कहते हैं ट्रफ प्लेट, हॉरिजॉन्टल प्लेट, इसको हम कहते हैं ट्रफ प्लेट। ट्रफ प्लेट में क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ लोड लग रहा है, और ये लोड कैसा लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है। मतलब कि यहाँ पे आपको एंड पे निकालना है कितना मोमेंट आ रहा है, एंड पे निकालना है कितना मोमेंट आ रहा है, मतलब आपको यहाँ पे निकालना है एंड मोमेंट। याद रखना क्या निकालना है आपको, एंड मोमेंट निकालना है। ठीक है, ट्रफ प्लेट पे क्या निकाल रहे हैं आप, कौन सा मोमेंट निकाल रहे हैं, एंड मोमेंट निकाल रहे हैं। तो कौन सा एंड मोमेंट भैया, फिक्स्ड एंड बेंडिंग मोमेंट। तो फिक्स्ड एंड बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है, फिक्स्ड एंड बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, UDL के लिए होता है WL स्क्वायर अपॉन 12। तो हाफ कहाँ लग रहा होगा, ऊपर, हाफ कहाँ लग रहा होगा, नीचे। तो अभी जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, WL स्क्वायर 2 × 12 का यूज़ करेंगे, क्योंकि हाफ ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा है और हाफ नीचे ट्रांसफ़र हो रहा है। मोमेंट निकाल लिया, मोमेंट निकालने के बाद थिकनेस का फॉर्मूला RCC में भी इसका यूज़ करते थे, क्या, अंडर रूट 6m1 अपॉन सिग्मा BC, जो भी आपकी बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस है, इंटू L, जो भी इसका लेंथ है। ठीक है, और मिनिमम थिकनेस इसका 6 mm होना चाहिए, अगर थिकनेस 6 mm से कम है तो अडॉप्ट कर लेंगे 6 mm। नेक्स्ट क्या निकालना होगा हमको, डिज़ाइन ऑफ इंक्लाइंड स्टिफनर इन ट्रफ प्लेट। ये जो आपका ट्रफ प्लेट है इसमें कुछ इंक्लाइंड स्टिफनर्स भी दोगे कनेक्शन के लिए, उसका डिज़ाइन कैसे करोगे, सबसे पहले कैलकुलेशन करोगे बेंडिंग मोमेंट का, है ना, मिड स्पान पे कितना आपका डायरेक्ट टेंशन आ रहा है मिड स्पान पे, फिर टी सेक्शन कोई भी प्लेट सेक्शन को चूज़ कर लोगे, है ना। कैसे करोगे, चूज़ कैसे करेंगे, वही याद करो सेक्शन मॉड्यूलस। सेक्शन मॉड्यूलस क्या होता है, मोमेंट अपॉन सिग्मा CBC, है ना, या सिग्मा BC। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, सेक्शन मॉड्यूलस आ जाएगा, स्टील टेबल में से हम कोई भी सेक्शन सूटेबल लेकर के चूज़ कर लेंगे। ठीक है, हो सकता है टी बनाना है तो आप दो एंगल सेक्शन ले लो, इसको कनेक्ट कर दो, टी बन जाएगा। अब इसके बाद कैलकुलेट एरिया IXX और ZXX, हमें क्या क्या कैलकुलेट करना होगा, जो हमारा, हमने जो प्रोवाइड करा है उसमें क्या एरिया है और प्रोवाइडेड एरिया वगैरह है ये। फिर क्या करोगे, चेक करोगे बेंडिंग स्ट्रेस और टेंजाइल स्ट्रेस के लिए। फिर इसके बाद क्या करोगे, आप प्लेट स्टिफनर ट्रफ वॉल में प्लेट दोगे, फिर वर्टिकल प्लेट, ये आपका जो वर्टिकल प्लेट्स हैं, ये ट्रफ वॉल है, ये है, ये वाली वॉल है ट्रफ प्लेट, हॉपर बॉटम में यूज़ होती है ट्रफ प्लेट। ठीक है, तो और वर्टिकल स्टिफनर, लॉन्ग गर्डर, मेन लॉन्ग गर्डर मतलब ये जो आपका ऊपर वाला टॉप वाला बीम रहता है इसको हम गर्डर कहते हैं, तो इसका डिज़ाइनिंग करेंगे आप। फिर डिज़ाइनिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल गर्डर, हॉरिजॉन्टल गर्डर का भी क्या करना है, डिज़ाइनिंग करना है। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। PH हॉरिजॉन्टल प्रेशर के लिए क्या हो जाएगा, PH इज इक्वल टू WR 1 − e−h𝜇-k/R। यहाँ W क्या है, जो भी यूनिट वेट होगा गिवन मटेरियल का वो, R क्या है, रेडियस ऑफ मीन डेप्थ, R होता है एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर। यहाँ पे एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर नहीं होगा,
वेटेड पैरामीटर की जगह इफेक्टेड पैरामीटर फिल्ड बाय द मटेरियल, जितना मटेरियल भरा है जितने एरिया में उसका आपको पैरीमीटर निकालना है। पैरीमीटर होता है टोटल एरिया। जैसे कि अगर रेक्टेंगल की बात करें तो ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, तो ये हो जाएगा कितने जगह को ये इफेक्ट कर रहा है। तो लेंथ को भी इफेक्ट कर रहा है और ब्रेथ को भी इफेक्ट कर रहा है। ये दोनों पानी भरोगे तो दोनों लेंथ भी भीगेगा और दोनों ब्रेथ भी भीगेगा। तो इसके लिए आपका वेटेड पेरीमीटर क्या हो जाता था, 2L+B या B+L, है ना। फिर इसके बाद क्या है, पॉइजन रेशियो। ये जो म्यू डैश है ये क्या है, पॉइजन रेशियो है। जो आपका पॉइजन रेशियो है जिसको हम कैसे निकालते हैं, 10 φ से निकालते हैं। इसके बाद प्रेशर रेशियो। प्रेशर रेशियो क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर आ रहा है, हॉरिजॉन्टल प्रेशर आ रहा है और जो वर्टिकल प्रेशर आ रहा है, इन दोनों का जब आप रेशियो करोगे उसी को हम कहते हैं प्रेशर रेशियो। इसके बाद वर्टिकल प्रेशर देखते हैं। वर्टिकल प्रेशर और हॉरिजॉन्टल प्रेशर के फॉर्मूले में बस एक ही अंतर है, यहाँ पे अगर आपने के को और ऐड कर दिया डिवाइड में, अपॉन में, WR/μ-K कर दिया, ये देखो WR/μ-K कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा वर्टिकल प्रेशर। ये खाली फॉर्मूले में अंतर है मगर इसके कैलकुलेशन में काफ़ी अंतर होता है। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रेशर जो आपका लगता है ये लगता है एम्प्टी कंडीशन में। हॉरिजॉन्टल प्रेशर कहाँ लगेगा, साइड वॉल पे लगेगा और एम्प्टी कंडीशन में लगेगा। हॉरिजॉन्टल प्रेशर साइड वॉल में लगेगा और एम्प्टी कंडीशन में लगेगा। वर्टिकल प्रेशर हॉपर बॉटम में लगेगा, यही लगेगा यहाँ। ये देखो ये तो यहाँ तो स्मूथली चला गया मटेरियल, यहाँ से तो स्मूथली चला गया, मगर आ करके स्ट्राइक कहाँ कर रहा है, हॉपर बॉटम को स्ट्राइक कर रहा है। इसलिए वर्टिकल प्रेशर कहाँ पे लग रहा है, हॉपर बॉटम पे लग रहा है ना। और हॉरिजॉन्टल प्रेशर कहाँ पे लग रहा है, हॉरिजॉन्टल प्रेशर आपकी साइड वॉल्स पे लग रहा है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट मटेरियल के साथ, ये जो आपका, ये आपको लर्न करना होगा, ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, टर्मिनोलॉजी है, कि अगर ग्रेनुअल मटेरियल है, ग्रेनुअल मटेरियल जैसे कि क्या क्या आ जाएगा इसमें, वीट हुआ है ना, माइज हुआ और आपके एग्रीगेट्स हुए, सेंड हुआ, अगर उसका साइज़ 0.2 mm से ज़्यादा है, अगर जो आपका मटेरियल है उसका साइज़ अगर सीविंग करोगे तो 0.2 mm सीव से अगर पास नहीं हो रहा है ना, उसके ऊपर है, तो फिर हमें प्रेशर रेशियो यहाँ से लेना है फिलिंग की कंडीशन में 0.5 mT की कंडीशन में अलग। फ्रिक्शन रेशियो भी आपको यहीं से लेना है, ये 0.75 φ रखोगे, 10 यहाँ पे यू का वैल्यू जो आप रख रहे थे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10.75, और जो भी फाइव का वैल्यू होगा वो रख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद एम्प्टी कंडीशन में हो जाएगा 0.6। अब नेक्स्ट हम पाउडरी मटेरियल की बात करते हैं जिसका साइज़ 0.06 mm, मतलब 600 μ से जो सीव अगर आपने यूज़ करा है उससे मटेरियल पास हो रहा है, तो आप कौन सा वाला पाउडरी मटेरियल समझिए उसको। और उस टाइम पे आप जो प्रेशर रेशियो, जैसे सीमेंट वगैरह हुआ, उस टाइम पे प्रेशर रेशियो क्या लोगे, फिलिंग की कंडीशन में 0.5, एम्प्टी की कंडीशन में 0.7। फ्रिक्शन रेशियो क्या लोगे, 1:1, 1:5, 1:5। देखो ये दोनों कंडीशन सेम है, ग्रेनुअल हो या फिर पाउडरी हो, फिलिंग की कंडीशन में 0.5, 0.5 लेना है। एम्प्टी की कंडीशन में यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 0.7, फिर यहाँ पे 0.7 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ 0.6 और यहाँ 1, ठीक है। तो ऐसा ट्रिक कर यूज़ करके आप इसको कर सकते हो। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और नॉलेजेबल रहा होगा। नेक्स्ट हम डिज़ाइनिंग करेंगे, और अभी मैंने सारे पैरामीटर क्लियर कर दिए हैं। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं क्लियर कर दूंगी। आपका एक लाइक ही हमारा मोटिवेशन है, तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो का सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि आगे और भी सीरीज़ आने वाली हैं। सो घर में रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है।